শাক इधर जाओ योगी जी, अभी कुछ राइट है फ्रिज पे चाहिए, फ्रिज पे दिखेगा। हमेशा कुछ ना कुछ पकता ही रहता है, कभी दाल कभी सब्जी कभी रोटी, बट अभी क्योंकि मेन का है तो कुछ ना कुछ डिफरेंट पक रहा है। किचन का सीक्वेंस बेसिकली, क्योंकि जैसे कि आप सब लोग देख ही रहे हैं शो, अगर फॉलो कर रहे हैं तो, करण ने हमें हमारी हवेली पर कब्जा कर लिया है। और अभी क्योंकि हम लोग करण के गुलाम बन गए हैं, बिकॉज अभी पेपर्स हवेली के करण के नाम पर है, तो हम लोग उन्हें काव्या क्योंकि 51% की मालकिन है, तो अभी कुछ ऐसी खिचड़ी पकाई है जिससे कि हवेली के जो 400 करोड़ है वो मेनका और भानु अपने अंडर करके इस हवेली से चक्कर होने वाले हैं। तो इसके पीछे ये सस्पेंस है अभी के कैसे किया और कब किया, क्योंकि काव्या को भी इस बात की खबर नहीं है और ना ही दादी को खबर है। हम लोगों ने दादी के काव्या के सिग्नेचर तो ले लिए हैं, बट अभी पेपर्स को छुपाने की जगह मेनका और भानु ढूंढ रहे हैं, तो किचन से बेस्ट कुछ हो नहीं सकता एज पर वुमेन्स। तो या अभी किचन में सिर्फ पेपर्स पक रहे हैं। अगर नॉर्मल लाइफ की बात की जाए तो आप किचन की बात है तो कितनी अच्छी कुक हैं आप? आई एम अ रियली गुड कुक और मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। ऑल्सो आई लाइक राजमा चावल, कढ़ी पकौड़ा एंड आई कुक चाइनीज ऑल्सो। मेरे फेवरेट मैं आपको बता रही हूँ, और मैं खिचड़ी बहुत अच्छी बना लेती हूँ, चाय बहुत अच्छी बना लेती हूँ। सो या ओके, तो फाइनली कभी आपके दर्शकों को देखने मिलेगा ये वीडियोस जो आप बनाते हो? यस यस डेफिनेटली मिलेगा, और बिकॉज हम लोगों को शूटिंग से टाइम नहीं मिलता, हम लोग सुबह मॉर्निंग में आ जाते हैं और रात को लेट घर जाते हैं, तो इवन आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने लास्ट कब अपनी किचन में खाना बनाया था, बट डेफिनेटली जिस दिन हमें ब्रेक होगा मैं डेफिनेटली आई शूट समथिंग एंड आई कुक समथिंग, और मैं मेरी रेसिपीज मेरे दर्शकों तक जरूर पहुँचाऊँगी। और बहुत सारे ट्विस्ट आने वाले हैं कहानी में, तो उसके लिए आप लोगों को हमारे साथ बने रहना पड़ेगा।